करें तुम बताओ भाई। ठीक है दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम होगा कल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे और जब वो वहां पे पहुंचे तो अहमदाबाद के आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर गुजरात पुलिस ने एक छापा मारा, एक रेड मारी। गुजरात पुलिस के जो अधिकारी वहां पे आए उनके पास कोई वारंट नहीं था, कोई सर्च के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई कोर्ट का कोई दस्तावेज नहीं था, कोई क्रिमिनल केस की तहकीकात को लेके कोई कागज उनके पास नहीं था। उन्होंने आम आदमी पार्टी के अंदर जबरन घुस के सभी हमारे कंप्यूटर्स देखे, सभी रजिस्टर डायरी जो भी वहां पे डॉक्यूमेंट थे सारे खंगाले, सब जगह उन्होंने छानबीन की, कागजों को उलट पुलट किया, बोरियां ढूंढी, लोगों से पूछताछ की, तुम कहां रहते हो, तुम कहां से आए हो, और 2 घंटे तक ये रेड चली जिसमें कुछ भी गुजरात पुलिस को नहीं मिला। ये बात सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी का ग्राफ गुजरात में तेजी से बढ़ रहा है। आज गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 नंबर की पार्टी है, बीजेपी से थोड़ा सा पीछे है, कांग्रेस कहीं नहीं है गुजरात के अंदर, इस रेस में समाप्त हो चुकी है। अभी गुजरात के चुनाव में 2.5 महीने बाकी हैं और बहुत जल्द आम आदमी पार्टी बीजेपी को गुजरात में पीछे छोड़ के नंबर 1 की पार्टी बन रही है। ये बात गुजरात की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को दिख रही है। आप ये समझिए कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर रेड की जा सकती है बिना किसी वारंट के, बिना किसी कागजात के, तो एक आम गुजराती के साथ गुजरात पुलिस और गुजरात सरकार क्या करती होगी? किस डर और दहशत के माहौल में हमारे आम गुजराती भाई गुजरात में रहते होंगे? किस तरीके का गुंडा राज गुजरात के अंदर इस वक्त गुजरात पुलिस का चल रहा होगा? आप इसके बारे में खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हमारा यह मानना है बहुत जल्द आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर नंबर 1 पार्टी बनने वाली है और हम गुजरात के लोगों को एक अच्छा, भ्रष्टाचार मुक्त और सबसे जरूरी भय मुक्त शासन देने का वादा करते हैं। इसके साथ एक बात और है कि जिस तरीके से इस छापे को डाला गया और जिस तरीके से अहमदाबाद पुलिस ने, अभी मैं देख रहा था ट्विटर पे अपने ऑफिशियल हैंडल से कहा कि हमने इस तरीके की कोई रेड नहीं मारी, इससे एक बात साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। पूरी देश के सामने भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी असलियत सबके सामने आ गई है और लोग भी ये देख रहे हैं कि इन्होंने सीबीआई के छापे मारे कुछ नहीं मिला, ईडी के छापे मारे कुछ नहीं मिला, लॉकर पे छापे मारे कुछ नहीं मिला और अब गुजरात में अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के ऑफिस पे रेड मारी और कुछ नहीं मिला। और ये लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है और लोग और जनता में इसका भारी रोष है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अब तक जितने भी आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगे हैं,
भारतीय जनता पार्टी हर आरोप को बोलती है नहीं ये सच नहीं है। पूरे देश में विधायकों को खरीदा गया, विधायकों के ऊपर ईडी सीबीआई का दबाव बना के उनको भारतीय जनता पार्टी में लाया गया। दर्जनों ऐसे उदाहरण है, मगर भारतीय जनता पार्टी कहती है नहीं, ऑपरेशन लोटस नाम की कोई चीज नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनौती देते हैं। अगर मीडिया के हमारे साथी, मीडिया के हमारे बंधु इस चीज के लिए हमें एक छोटा सा वादा कर दें कि हम उस रेड की सारी डिटेल्स, उस रेड में शामिल अफसर और सबूत मीडिया के सामने रखेंगे, मीडिया के बंधुओं को सिर्फ एक हमको वादा करना है कि वो सीधा सवाल गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री से उस रेड के बारे में पूछेंगे। हम सारे सबूत जो है मीडिया के सामने रखने के लिए तैयार हैं और हम भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करना चाहते हैं, उनकी गुजरात में हो रही गुंडागर्दी को एक्सपोज करना चाहते हैं कि किस तरीके से बिना वारंट, बिना किसी कानून के कागज के ये कहीं पे भी घुस जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, छापा मारते हैं और बाद में कहते हैं कि कोई छापा नहीं मारा गया, क्योंकि उसके अंदर गुजरात सरकार की बहुत बेइज्जती होती है। जैसे सीबीआई की बेइज्जती हुई, ईडी की बेइज्जती हुई, इस तरीके से गुजरात सरकार की एक बड़ी बेइज्जती होती है कि इन्होंने छापा मारा, गैर कानूनी ढंग से मारा और उसमें भी इनको कुछ नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं अहमदाबाद पुलिस और गुजरात सरकार को चुनौती दे रहा हूं, अगर वो प्रेस वार्ता करके पत्रकारों के जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री तैयार हैं, हम सारे सबूत रखेंगे। जो पुलिस वाले वहां पे पहुंचे थे उनके नाम हमें मालूम है, हमारे कुछ लोग उनको पहचानते हैं, हमारे लोग उस पुलिस अफसर को पहले से जानते हैं कि ये आदमी इस थाने में है और इसका ये नाम है। उन पुलिस वालों के पास मोबाइल थे, उनकी मोबाइल की लोकेशन उस समय हमारे आम आदमी पार्टी के ऑफिस की आएगी। और भी बहुत सारे सबूत हैं, आप झूठ को सच और सच को झूठ ऐसे नहीं बना सकते। गुजरात के मुख्यमंत्री ये वादा करें हम सबूत रखेंगे, वो प्रेस वार्ता के अंदर उसका जवाब जरूर दें, भाग ना जाए, हम सबूत रखने के लिए तैयार हैं और हम ये चुनौती देते हैं। सौरभ जी, जी क्या इसके लिए जरूरी है कि वहां मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करे? खुद से भी आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव का माहौल है गुजरात में, आप लोग भी वो सबूत पेश कर सकते हैं बिना चुनौती दिए? उसमें ये है कि फिर उसका कुछ होगा नहीं ना, उसका कुछ नहीं होगा, हम तो अपने सारे पत्ते दिखा देंगे मगर वहां से उसका कुछ आएगा नहीं जवाब। हमसे तो सवाल पूछे जाते हैं, हम सब जवाब देने के लिए तैयार हैं, वहां सवालों का जवाब देने के लिए कोई आदमी आगे नहीं आएगा। तो अगर सवालों का जवाब देने के लिए आगे आए तो हम सारे सबूत सामने रखने के लिए तैयार हैं, ये हम बोल रहे हैं। जी, जो इन्होंने टाइमिंग डिसाइड किया है कि सीएम के दौरे से कुछ घंटे पहले ऐसी रेड की, तो क्या आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हमें लगता है कि इनको ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पता नहीं कितना पैसा इनको मिल जाएगा, कितनी गैरकानूनी कागजात इनको मिल जाएंगे, कितनी बेनामी संपत्तियों के कागज इनको मिल जाएंगे, और इसलिए ये छापा मारा गया। और क्योंकि ये छापा पूरी तरीके से गैरकानूनी था, इसके अंदर कोई वारंट नहीं था, कोई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन नहीं थी, कोई ऐसा क्रिमिनल केस नहीं था जिस कारण ये हमारे ऑफिस में घुस सके, इसलिए जब वो रेड फेल हो गई तो उसको कहा गया कि कोई रेड नहीं मारी गई। ये एक खास तरीके की मोडस ऑपरेंडी है और गुजरात के अंदर जो गुजराती भाई रहते हैं वो जानते हैं इसी तरीके के गुंडाराज से और इसी तरीके से डरा डरा कर भारतीय जनता पार्टी वहां पे लोगों की जुबान बंद करती है। मगर आज
गुजरात के लोगों ने फैसला कर लिया, गुजरात को बदलाव चाहिए, गुजरात को एक अच्छी भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त सरकार चाहिए। और कोई सवाल? कल इस मुद्दे पे पूरे दिन आरोप लगता रहा था, एलजी ने की जांच की मांग मांग रही थी, उससे बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के निशाना साध रही है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार करप्शन का पयाह है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं। आप सोचिए, जो मामले में डेढ़ साल पहले सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और डेढ़ साल में उनकी सीबीआई को कुछ नहीं मिला, हमारी नहीं, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को डेढ़ साल में कुछ नहीं मिला, उसकी चिट्ठी दोबारा लिख देते हैं कि इसकी खबर दोबारा बन जाए, फिर तिवारा लिख देते हैं कि इसकी खबर फिर तीसरी बार बन जाए। ये कोई मजाक है? ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी सुना है? सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी का परसेप्शन खराब करें। शराब नीति में कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। स्कूलों पे आए, मुक्की खानी पड़ी। अब ट्रांसपोर्ट में आ गए, फिर मुक्की खाएंगे। फिर मोहल्ला क्लिनिक के पीछे लगे थे पहले, वहां कुछ नहीं मिला। इनको कुछ नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं एलजी साहब अपनी जांच कब कराएंगे, एलजी साहब ये बताएं। हम हर जांच के लिए तैयार हैं, आप हमारी जांच करिए। और कोई सवाल है तो? थैंक यू।